properties of matrix multiplication, properties of matrix multiplication. देखो भाई, फर्स्ट कौन सी थी? एडिशन में कौन सी बोली थी हमने? कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट necessarily commutative, is not necessarily commutative, is not necessarily commutative. मतलब क्या हुआ? ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी. आप तो इक्वल होने की बात कर रहे हो भाई साहब, यहां तो एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं है. हैं? अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो तो बी ए डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है. जैसे मान लो, सपोज, एक बार ध्यान सुनना, और अगर एग्जिस्ट कर भी रहा हो, जैसे मान लो ये 2x3 की है, ये 3x2 की, ए एक मैट्रिक्स ली मैंने 2x3 ऑर्डर की, बी एक मैट्रिक्स ली मैंने 3x2 ऑर्डर की, सुन रहे हो क्या? ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या? ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या? ऑर्डर बोलो ए बी का, 2x2. अच्छा सोच के बताना, बी एग्जिस्ट करेगा क्या? बी एग्जिस्ट करेगा क्या? बी एक ऑर्डर बोलो 3x3. पक्का? श्योर? 3x3. तो इक्वल होने का सवाल ही पता नहीं होता. मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर ही सेम नहीं है. दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए कितनी कंडीशन है? दो मैट्रिक्स से इक्वल होने के लिए कितनी कंडीशन है? दो. एक, ऑर्डर सेम होना चाहिए. दूसरा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. एक तो ऑर्डर सेम हो, दूसरा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, है ना? तो यहां तो ऑर्डर ही सेम नहीं है. तो अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो दे कैन नॉट बी इक्वल. क्लियर है? जगह बहुत कम यूज हो रही है यार. नोट, नॉर्मल एल्जेब्रा में किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो हुआ करता था तो हम बोलते थे दोनों में से कम एक तो जीरो है. ठीक है? यहां पे इफ A into B is equals to, it's not zero, it's null matrix. A into B अगर zero है, A into B अगर zero है, this does not necessarily imply कि A is equals to zero और B is equals to zero और for that matter BA is equals to zero. ए और बी का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है, ए और बी का प्रोडक्ट किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स हो या उनका कम्यूटेटिव यानी कि बी ए बी जीरो हो. तो बी ए तो जब ऑर्डर ही सेम होने की बात नहीं है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं. अरे अगर बी ए जीरो हो भी गया, सपोज बी ए 3x3 का, ये भी एक बहुत अच्छी बात है. सुनो, 0000 एंड 0000000 सपोज, तो ये दो इक्वल मैट्रिक्स नहीं, ये दो मैट्रिक्स इक्वल
नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो ऑर्डर तो सेम हो इक्वल कहलाने के लिए, इनके तो ऑर्डर ही अलग अलग है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो सपोज अगर बी ए जीरो आ भी गया बट ऑर्डर अलग आ गया तो उसको तो कोई फायदा नहीं, उसे ये वाला तो, मतलब सेम तो बोलेंगे नहीं, तो इससे तो इम्प्लाई हुआ नहीं ना, वो ए बी इज इक्वल टू जीरो से तो इम्प्लाई हुआ नहीं कि बी ए भी जीरो है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल बना सकते हैं। मान लीजिए ए के लिए ले लिया आपने 1 1 2 2 और बी के लिए आपने एक ले लिया -1 1 1 -1। ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, हाँ ठीक है, ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप ए इंटू बी निकालोगे, इसका इससे गया कितना आया, 0 0 0 0। बी निकाल के देखा है किसी ने? बी ए देखो फास्ट निकाल सकते हो क्या? ट्राई किया करो ऐसे लिखे हुए में, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन बढ़ाया करो, बैठे रहते हो सबके सब। बोलो क्या लिखना है? 0 आ गया, वार ढक्कन। हाँ आगे आगे बनी है -1 -1 विच इज नॉट 0। ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आया है, ए और बी में से कोई भी नल नहीं था, इनफैक्ट बी इंटू ए भी नल मैट्रिक्स नहीं आया है। वो तो जो नॉर्मल एल्जेब्रा में होता था उससे ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है, ऑलमोस्ट एडिशन वाली चीज़ें अगर आप देखोगे, हेलो एडिशन वाली अगर आप चीज़ें देखेंगे तो जो मेरी नॉर्मल एल्जेब्रा में होता था वही मैट्रिक्स एल्जेब्रा में है। मैट्रिक्स की भी अपनी एक एल्जेब्रा है, वही तो हम पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स तंता, वही हम लोग पढ़ रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मेरी नॉर्मल मैट्रिक्स जो कि हम लोग एक्स आई में लगाया करते थे, उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिफरेंसेज है। एडिशन में मैंने देखा ऑलमोस्ट सिमिलरिटी थी, कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी जो कि नॉर्मल नंबर के एडिशन और उनमें पाई जाती थी वो पाई जाती है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन केस में कम्यूटेटिव नेचर नहीं होता। 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता था रियल नंबर में जो नॉर्मल एल्जेब्रा थी, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर इन जनरली नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ही नहीं होगा, हो सकता है इन सर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो। ठीक है, अच्छा तो ये वाली जो चीज़ अभी हमने लिखी इसका एक हैशटैग वर्जन और है, #2 ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज नॉट इक्वल्स टू या इज नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ए बी और ए सी अगर बराबर है तो ये कदापि जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर होंगे। ठीक है, अनलेस 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 ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अनलेस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब समझने में अभी हमें टाइम लगेगा, भावुक ना हो कोई भी। है ना, इसको टाइम टाइम लगेगा हमें मतलब समझने में, बट इफ मैट्रिक्स की बाद में आएगा इसका, है ना। बट इफ बी इज इक्वल्स टू सी, बट इफ बी इज इक्वल टू सी देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे और जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना ऑब्जेक्टिव में वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बन मिलके बनते हैं प्रूविंग वाले। देन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी ए इज इक्वल टू सी ए, नोट दैट ए बी इज नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू सी ए।
आप ध्यान से समझिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी ए इज इक्वल टू सी ए, लेकिन ए बी सी ए के बराबर होगा इस बात की गारंटी, क्योंकि ए सी और सी ए बराबर हो इस बात की गारंटी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? ए बी ए सी और सी ए बराबर उस बात की गारंटी नहीं है, कम्यूटेटिव नेचर का नहीं है ना भाई। ठीक है, अच्छा ये कैसे आए, ये दोनों चीजें कैसे आई? फर्स्ट वाली चीज आई प्री मल्टीप्लीकेशन, इसको रिश्ता नंबर वन मान लेते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन विद ए। कि प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन दो दो चीजें होती है। ठीक है, मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीप्लाई किस साइड से किया जा रहा है। हम लोग जब 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई करते थे तो आप 3x4 करो, 4x3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी किया गया है कि बी ए किया गया है फर्क पड़ता है। सुन रहे हो क्या यार? ए बी किया गया है, बी ए किया गया, फर्क पड़ता है। तो ए को किस साइड से मल्टीप्लाई किया गया? अगर लेफ्ट साइड में प्री मल्टीप्लीकेशन किया गया है तो राइट साइड में भी क्या किया जाएगा? प्री मल्टीप्लीकेशन। देन यू विल गेट ए बी इज इक्वल टू ए सी अलाउड। दोनों साइड अगर ए को प्री मल्टी, अरे यार भाई साहब, अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है, एक कॉमन सेंस की बात, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो किसी सेम मैट्रिक्स अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। बस मैट्रिक्स में सिर्फ इतना सा ध्यान रखने की जरूरत है कि मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड दोनों सेम तरीके का होना चाहिए। वॉट इज सेम तरीका? प्री मल्टीप्लाई है कि पोस्ट मल्टीप्लाई? अगर एक साइड प्री मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा? बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी, और कुछ नहीं है। क्लियर है? ये वाली चीज कैसे बनी भाई? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन से ये चीज बनी है। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब इनके इस साइड से एंटर करना, दिस इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि दोनों तरफ इक्वलिटी के सेम काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, बस। कोई समस्या? अच्छा, थर्ड हैशटैग #3। इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर ऑलवेज कम्यूट टू ईच अदर, ए एंड बी आर ऑलवेज कम्यूट टू ईच अदर। प्रूव करिए आर ऑलवेज कम्यूट टू ईच अदर। कम्यूट टू ईच अदर का क्या मतलब हुआ? ए बी इक्वल्स टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। आप ये देखिए क्या वो हमेशा बराबर आएंगे। अरे दो स्क्वायर में दो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लो सेकंड ऑर्डर का भाई, कोई सा भी। अब चंबू सेम ऑर्डर लिखा है वहां पे। अच्छा, तुम लोग तो सब 11वीं में पढ़ चुके हो।
अच्छा तुम्हारी हो गई। हाँ वो तो क्या, अरे इतने टाइम का नहीं है भाई, बहुत शर्मिंदगी भरा है। अरे नंबर नहीं लेने चाहिए, नंबर लेने में लोगों को क्या लगता है कि नहीं, तो इसी केस में आ गया। इट लुक्स लाइक अ पर्टिकुलर केस, जब चीज आपको प्रूव करनी, छोटा सा एग्जाम सेकंड ऑर्डर के ले लो यार, इससे नीचे क्या लो, ए वन ऑर्डर की तो मत लेना। वन ऑर्डर में तो क्या डायगनल डायगनल जैसा दिखेगा ही नहीं, तो थोड़ी तो इज्जत रखो, सेकंड ऑर्डर की तो लो एटलीस्ट। तो सेकंड ऑर्डर की एक डायगनल मैट्रिक्स ले ली भाई, ए जीरो जीरो सी, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं। एक बी और ले ली सेकंड ऑर्डर की, बी जीरो जीरो डी। अब ए बी लिखना है भाई, ए बी इस तरह से करेंगे, क्या आया बोलो, ए बी, फिर नीचे अगला जीरो जीरो सी डी। मतलब एक कमाल की बात और मिल गई मेरे को, देखो सुनो, सुन रहे हो क्या। अब ये कोई मेरा ऐसा रिश्तेदार तो लगता नहीं था कि इसने डायगनल दी है, कोई भी दो डायगनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा डायगनल मैट्रिक्स ही मिलेगी, नहीं चमक रहा। अच्छा आगे बी ए देखना, बी ए उसमें इसकी रो लेंगे और इसके कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ बी ए लिख लो चाहे ए बी लिख लो, अब यार वो तो एलिमेंट्स हैं भाई साहब, हैं वो तो कम्यूटेटिव नेचर के होते ही हैं। तो ए बी इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, जीरो जीरो सी डी विच इज इक्वल, समझ गए। अच्छा इससे एक चीज और लिख सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैं देखना, तो मुर्गियां डायगोनल ऑफ डी वन डी टू डी थ्री एंड सो ऑन अप टू डी एन इंटू डायगोनल ऑफ ई वन ई टू एंड ई एन, दो nth ऑर्डर की अगर डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी जाएगी तो इनसे जो आंसर आएगा, पहली बात वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और दूसरी बात उसके एलिमेंट बहुत आसानी से क्या लिखूंगा, डी वन ई वन डी टू ई टू एंड सो ऑन डी एन ई एन होंगे। कोई दिक्कत, यहीं से सोच के दिखाए, आप तीन ऑर्डर की मल्टीप्लाई करके देख लो, डायगोनल वाली बचते हैं बाकी सब जीरो हो जाते हैं, सही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगी सेम ऑर्डर की, वो हमेशा कम्यूटेटिव होगी, यानी कि ए इंटू बी बी ए के बराबर होगा, सही है। नेक्स्ट, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया क्या तुमने, लिख दिया तो काट दो फिर। अच्छा मत काटो, चलो यार एक नोट और लिख लेंगे, दो नोट हो जाएंगे, और मैं सोच रहा दोनों इसी में लिखा देता। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी को मैथ लिखना नहीं आ रहा यार, किसी को मैथ लिखना बहुत बुरी हालत है भाई साहब। कौन से नंबर का हैशटैग है ये, फोर्थ नंबर का। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
there exist an identity matrix of same order. There exists an identity matrix of same order such that AI is equals to IA is equals to A. This I is called multiplicative identity. हमने कुछ समय पहले एडिटिव आइडेंटिटी की बात करी थी, हैं? एडिटिव इनवर्स, ओ सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी जो जुड़ के कुछ ना कुछ चेंज ना करे, दैट इज जीरो इन केस ऑफ नॉर्मल एलजेब्रा, इन केस ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा इट्स नल मैट्रिक्स, सही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन इन केस ऑफ नॉर्मल एलजेब्रा, इन केस ऑफ हाँ क्या बात चल रही थी? हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ नॉर्मल एलजेब्रा वन जो किसी में मल्टीप्लाई हो गया कुछ चेंज ना करे, इन केस ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा इट्स यूनिट 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 मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब आप सीधी सी बात सुनो, जो काम नॉर्मल एलजेब्रा में जीरो करता है वो काम मोटा मोटा नल मैट्रिक्स करता है मैट्रिक्स एलजेब्रा में. इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, बस इतना सा अंतर है, काम वो ही कर रहा है, जुड़ के कुछ चेंज नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करके जीरो भी बनाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए जो कंडीशन है वो है प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज, वो तो जो भी है वो तो होनी पड़ेगी. और जो काम नॉर्मल एलजेब्रा में वन करता है वो मैट्रिक्स एलजेब्रा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है, ठीक है? इनफैक्ट किसी की भी पावर जीरो वन हुआ करता था. यहां पे किसी की भी पावर जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आएगी, बस प्रोवाइडेड किसी शुड नॉट बी भूल गए सब यार सब भूल गए किसी शुड नॉट बी जीरो इन केस ऑफ नॉर्मल एलजेब्रा, इन केस ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा इट शुड नॉट बी नल मैट्रिक्स. वो ही चीजें हैं, रिलेशन नॉर्मल एलजेब्रा से ही है, बनाए गए हैं, पर ठीक है कुछ थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट है, बहुत जरा से. ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, भाई साहब कोई भी मैट्रिक्स ले लो, वन माइनस वन टू थ्री, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, कितने ऑर्डर की लेंगे? टू ऑर्डर की, वन जीरो जीरो वन. ए आई दिस इंटू दिस, वन टू माइनस वन थ्री, और आईए करोगे, आईए मतलब हुआ इसका रो और इसका कॉलम, तो दिस दिस फिर से वन, गुलाब चंदे के माइनस वन कहां से आया, वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू माइनस वन. अरे गेल से प्या, इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है, फिर इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम टू, आना तो वही है, आना तो वही है भाई, रिजल्ट को ऐसे फालतू थोड़ी लिखा है कोई, गेल से पे थोड़ी है, आएगा तो यही है. दो चीजें इंपॉर्टेंट, पहली किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स खुद वापस आती है, ठीक है? दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई को चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो ए में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ही आएगा. क्लियर है? ये सब चीज काम आएगी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भाई, उनके लिए लिखा रहे हैं. कौन सा था ये? हैशटैग फोर, हैशटैग फाइव. लालची इंसान को जब ये चीज पता पड़ी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा हो रहा है तो उसने अनस्क्वायर में भी ट्राई किया. यही चीज लिखाना चाह रहा था मैं पिछली बार, तुमने लिखाने नहीं दिया, लिख ले लिख ले लिख लेकर. हैशटैग फाइव, ए मंकी क्रॉस नालायक, ए मंकी क्रॉस नालायक ऑर्डर की मैट्रिक्स से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लाके मल्टीप्लाई करी,
उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो, नालायक करो कुछ भी नहीं, नालायक केएलसी पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होती है हमेशा, नालायक क्रॉस कुछ भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एक ही ऑर्डर होता है, दोनों नहीं बोलने पड़ते। नहीं चमका यार, अच्छा रिजल्ट बताओ क्या आएगा, ए आएगा वो तुम्हें बता रहा हूँ, ऑर्डर बोलो, मंकी ग्रास नालायक है, आएगा रिजल्ट सेम, वो तो अभी अपन करके देख लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन मैं तो दो चीजें पूछ रहा हूं, पहली अगर मैंने आई से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये आया है ना, अगर प्री करता नहीं तो भी आएगा तो वही, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, मंकी ऑर्डर की, रिजल्टेंट विल बी ए ऑफ मंकी क्रॉस नल, अरे आंसर तो यही आएगा भाई, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई के टाइम पे चेंज होगा अगर स्क्वायर नहीं है तो। सीम हो गया भाई साहब, तो कुछ नहीं होगा, मीटर ही होगा वैसे, पता नहीं कुछ भी नहीं होगा वैसे, वैल्यू होती नहीं है मैट्रिक्स की, हर एलिमेंट का खुद का अलग डायमेंशन होगा बस, खुद का ही अलग अलग होगा। हाँ कुछ भी हो सकता है भाई साहब, मीटर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई सेम कैटेगरी के एलिमेंट होना कंपलसरी नहीं है। अरे इस रूम के सेट का बनाओगे तो लड़के लड़के दोनों लोगे ना बस, अरे इंसान तो क्या फाट है भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत अलग है ना भाई इंसान क्या एक खून देने वाला है खून पीने वाली कितना बड़ा अंतर है भाई ड्रैकुला क्या है, ड्रैकुला ऐसे मेरे को याद है, खून पीने वाला है वाली है, और भाई चेंज चेंज टॉपिक चेंज भाई ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो अपने ऊपर आ जाएगा है, नहीं नहीं एक्सेप्शन एक्सेप्शन, मैस्कुलिन कैरेक्टर में एक्सेप्शन होता ही नहीं। 1 2 3 -1 2 0 को किस आइडेंटिटी ऑर्डर, किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तुम लोग कितने स्लो भाई, 2 × 3 तो यही है, ऑर्डर 3 3 × 3 मत बोले, एक तो मेरे बहुत अजीब सा लग रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ भाई इसको इससे करा 1, एक बार कल चेक कर लेंगे, वैसे मेरे को उम्मीद नहीं है वैसे सही आएगा, देखो मतलब उम्मीद तो है सही आएगा, मैंने किया नहीं है कभी, इसको इससे किया तो 2 बचा है ना, फिर इसको इस वाले से करेंगे 3 बचेगा, वाह यार सही है, 2 और 0 तो सेम मिला सेम ऑर्डर का, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है। हाँ अच्छा सिमिलरली ये वाला करके दिखाने की जरूरत थोड़ी है, नहीं वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, सिमिलरली तो मैं किसी और चीज के लिए लिख रहा हूं, ए मंकी क्रॉस नालायक को ओ नालायक क्रॉस परेशान से मल्टीप्लाई किया, ओ कौन नल मैट्रिक्स, अब वो नल मैट्रिक्स तो स्क्वायर हो जरूरी नहीं है, बस ऑर्डर में ये ध्यान रखना है कि वो पिछले वाले से सिंक बैठ जाए, मल्टीप्लीकेशन तो एडजस्ट करना चाहिए ना भाई, तो मिलेगा क्या नल मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ ऑर्डर मंकी क्रॉस परेशान, आंसर विल बी नल मैट्रिक्स, अरे आप किसी नल मैट्रिक्स से जाके चिपक जाओगे तो आंसर तो नल ही आना है, कि नहीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नल हो तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों में से कोई नल हो, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नल है तब तो प्रोडक्ट डेफिनेटली नल ही आएगा भाई, अरे आप किससे मल्टीप्लाई करो जीरो मिल रहा है तो फिर तो जीरो ही आएंगे सारे एलिमेंट, फिर तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर थोड़ा सा चमकना चाहिए, अगर नल मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई किया गया तो ए ये क्या हुआ
अच्छा मैंने ऑर्डर ही सेम लिया, एक सेकेंड, नलायक क्रॉस परेशान, तो इस बार पी को ए को ऐसा लेना पड़ेगा, पी क्रॉस मंकी है ना, तो भी नल आएगा, बट दिस टाइम ऑफ ऑर्डर नलायक क्रॉस मंकी, कोई समस्या तो नहीं है? मेरे से बोल दो दिव्यांशु जी, एक तो कम से कम मौका मिला है आंसर देने का, उस चैप्टर में भी आंसर नहीं दे रहे तो क्या फायदा, हंस लो बस गधेड़ों की तरह, कमेंट पास कर लो बैठे बैठे वहां पे। मास्टर सब सुनता है? अरे बेटा अरे क्या पूछूं मुमताज से, मैं गेले हूं क्या मैं गेले हूं हैं, सब सुनता हूं मैं सब, अगर मास्टर इग्नोर कर रहे दिस डज नॉट इम्प्लाई कि मास्टर ने सुना नहीं, कोई साबित नहीं करना चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता कि उसने सुन लिया। नहीं बोला तुमने सुबह क्लास से शुरू से, कुछ भी नहीं बोला किसी महिला के बारे में, पूछ रहा हूँ तुमसे, बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला यार, चौधरी झूठी बोल देते लोग आ गया यार, किसी आ रहे हैं अभी की बात नहीं कर रहा रे गधेड़े, मैं तो क्लास के शुरू से बोल रहा हूँ 11:30 बजे से, चलो ठीक अच्छी बात है, नहीं बोला था मैं ही पागल हूँ। #6 एंड बी आर टू मैट्राइसेस सच दैट ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इम्प्लाइज, ए बी इज इक्वल टू बी ए इम्प्लाइज ए एंड बी आर सेट टू कम्यूट ईच अदर, ए एंड बी आर सेट टू कम्यूट ईच अदर, एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए इम्प्लाइज ए एंड बी आर सेट टू एंटी कम्यूट ईच अदर, ए एंड बी आर सेट टू एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ये हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख रहे हैं वैसे, कम्यूटेटिव के अंदर है, ये भी याद है किसी को भूल गए सब नहीं तो किसी को याद ही नहीं मुझे।